अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रस्टेशियंस फिश डिजीजेस। तो इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि क्रस्टेशियंस फिश के अंदर कौन कौन से डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्चुअली क्रस्टेशियंस है क्या। डियर स्टूडेंट, क्रस्टेशियन जो है ये एक क्लास है फाइलम आर्थ्रोपोडा की। तो आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है, आर्थ्रोपोडा उसके जॉइंट फुट होते हैं, ठीक है। बॉडी जो है उसकी सेगमेंटेड होती है, लेकिन जो सेगमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी के बाहर होते हैं, बॉडी के अंदर कोई सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। डिफरेंट क्लासेस हैं आर्थ्रोपोडा की, जिसमें से एक क्लास जो है वो क्रस्टेशिया है। क्रस्टेशिया के अंदर जो मेंबर्स आते हैं वो हैं क्रैब्स, लूबस्टर, कॉपीपॉड्स और बर्नेकल्स, ठीक है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा क्रस्टेशियन है जो फिश के अंदर डिजीज कॉज करता है और उसकी वजह से जो एक्वाकल्चर लॉस है वो हो रहा है, ठीक है। तो वन बाय वन हम तमाम डिजीजेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनके कॉजेस क्या हैं, उनकी ट्रीटमेंट क्या है, किस तरीके से हम अपनी फिश को उनसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जो पहले डिजीज है वो है लर्नियसिस। लर्नियसिस जो डिजीज है ये लर्निया साइप्रिनेसियसा जो वर्म है वो कॉज करता है, ठीक है। इस डिजीज को हम कॉमनली एकॉन वर्म भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम एकॉन वर्म डिजीज भी कहते हैं और ये एक कॉपीपॉड क्रस्टेशियन है, ठीक है। और एंकर वर्म इसका कॉमन नेम है, ये पैरासिटिक है फ्रेश वाटर फिशेज में, ये ज्यादातर डिजीज कॉज करता है। जैसे कि आपको साइड में जो पिक्चर नजर आ रही है, इट इज आर लर्निया, ठीक है। जो लर्निया है ये फिश में जितनी भी फ्रेश वाटर स्पीशीज हैं उनमें ये डिजीज कॉज कर सकता है और इसको हम एंकर वर्म कहते हैं। एंकर वर्म क्या है, इसका कॉमन नेम है, ठीक है। जो अडल्ट फीमेल है वो ज्यादातर लर्नियसिस कॉज करती है, ठीक है, क्योंकि जो मेल है, इसके आगे हम रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में बात करेंगे कि जो इसका मेल है उसकी डेथ जो है वो जल्दी हो जाती है, लेकिन जो फीमेल है वो एक फिश से दूसरी फिश में ट्रांसफर होती जाती है, मतलब उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है, लेकिन जो मेल है उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। आफ्टर मेटिंग उसकी मोर्टेलिटी हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो जो अडल्ट फीमेल है वो लर्नियसिस कॉज करती है। इसकी होस्ट स्पेसिफिसिटी नहीं है कि इसने, फॉर एग्जाम्पल, लेब्यू है, तलापिया है, कैटला है, तो ये एक ही फिश तक नहीं रहती, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैटला तक ही रहेगी या फिर लेब्यू तक रहेगी, ये जितनी भी फ्रेश वाटर स्पीशीज हैं उन तमाम के ऊपर ये अटैक कर सकती है, ठीक है। तो ये साइड बॉक्स में आपको नजर आ रहा है एंकर वर्म, हम इसको कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो ये लर्निया है इसने फिश की बॉडी के अंदर अपने जो बर्नेकल्स हैं इसकी जो है उसको, उसके साथ ये पेनिट्रेट है, ठीक है। तो पेनिट्रेशन इसने फिश की बॉडी में दिखाई हुई है, यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है कि जो कॉपी पॉड्स हैं ये फिश की बॉडी में इंसर्टेड है। ये ज्यादातर जिन कंट्रीज में कॉमन है वो है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप। ये कंट्रीज में लर्नियसिस इज अ वेरी कॉमन इन एक्वाकल्चर और ये वो ज्यादा डिजीजेस भी स्प्रेड कर रही है, ठीक है। अब जो लर्निया है ये मोस्ट प्रेवलेंट है स्टिल वाटर में, मतलब अगर कोई वाटर मूव नहीं कर रहा काफी अरसे तक, वो पानी जो है वो खड़ा है और उसके अंदर आपने अपनी फिश को कल्चर किया है और हो सकता है वहां पर इस क्रस्टेशियन के प्रेजेंस के ज्यादा चांसेस हो एज कम्पेयर टू वो वाटर जो कि फ्लोइंग वाटर है, ठीक है। तो स्टिल वाटर में इसकी ज्यादा चांसेस हैं एज कम्पेयर टू फास्ट फ्लोइंग वाटर, ठीक है। लर्निया जो है ये अगर किसी ऑर्गेनिज्म में या किसी वाटर में प्रेजेंट है तो वो उस फिश की विसीरल कैविटी में भी पेनिट्रेट कर सकता है। अब विसीरल कैविटी क्या होती है, बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है ना वो विसरा होते हैं, ठीक है। तो ये विसीरल कैविटी में इन पेनिट्रेट कर सकती है और विसीरल कैविटी में इसकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, स्टमिक है, इंटेस्टाइन है, इसका लीवर है, किडनी है, किसी भी ऑर्गन में पेनिट्रेट कर सकती है, इवन कि हार्ट में भी ये पेनिट्रेट कर सकती है और उसके रिजल्ट में पेरिटोनाइटिस डिजीज हो सकती है और अल्टीमेटली फिश की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। यंग फिशेज जो हैं ये मोस्ट ससेप्टेबल हैं इसके और अल्टीमेटली उसमें मोर्टेलिटी के ज़्यादा चांसेस हैं। ज्यादा जो कॉमन है ये डिजीज वो कैटला कैटला के अंदर
ज्यादा ससेप्टिबिलिटी है इस डिजीज के। अब इसका जो लाइफ साइकिल है वो क्या होता है कि जैसे हम इसको कह रहे हैं कि जो लर्निया है, लर्नियसिस जो है, ये एंकर वर्म है। डियर स्टूडेंट, होता क्या है कि इसकी जो फ्री लिविंग स्टेज है ना डेवलपमेंट की, फ्री लिविंग स्टेज में ये मेटिंग करता है, ठीक है। और मेटिंग जो है ये क्या करेगा कि मेटिंग भी जो फिश है, होस्ट फिश, उसकी बॉडी में ही करेगा। अब ये पहले क्या करते हैं, क्योंकि ये एंकर वॉर्म है, एंकर मतलब ये कि ये फिश की बॉडी के ऊपर एंकर होता है, कि आधा फिश की बॉडी के अंदर इंसर्टेड होता है और आधा ही बाहर होता है, ठीक है। जो बाहर वाला पोर्शन होता है ना उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर पार्ट। तो पोस्टीरियर पार्ट से क्या करता है, ये एग को ले करता है वाटर में, और एग जो ले है ये 24 से 36 घंटों तक जो है ना इसमें एग लेइंग होती है। एग लेइंग जो है कुछ टाइम के बाद ये एग ले वाटर में होते हैं, ठीक है। अब एग जो है वो एक लार्वा में डेवलप हो जाते हैं, न्यूपे लाए लार्वा उसको कहते हैं। उसके बाद इसमें मोल्टिंग होती रहती है, मतलब मोल्टिंग क्या होता है कि डिफरेंट लार्वल स्टेज अंटिल के अडल्ट जो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप हो जाए, उसमें लार्वल स्टेज होती रहती है। और इसमें भी क्या है कि नेपोलाई लार्वा बनता है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद जो है वो अडल्ट कॉपीपॉड बन जाता है। मेल जो है उसकी तो मोर्टेलिटी हो जाती है, लेकिन जो फीमेल है वो एक फिश से दूसरी फिश में ये ट्रांसफॉर्म होती रहती है। तो इस तरीके से जो लर्निया है वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। अब अगर ये फिश में प्रेजेंट है तो कुछ क्लिनिकल साइंस होंगे जो कि फिश शो करेगी। एक तो रेड सॉर शो करेगी, जैसे कि आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है कि किस तरीके से इसने फिश में जो है वो सॉर कॉज किए हुए हैं। अल्सरेशन हो सकती है फिश में, इसके साथ हेमरिज भी हो सकती है। और हेमरिज मतलब ये कि ब्लड वेसल फट जाएगी, वहां से फ्लूड जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, और ये इन्फेक्शन इतना सीवियर होता है कि इसके साथ कोई और इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे कोई बैक्टीरियल फंगल अटैक भी हो सकता है। इससे पहले जो हमने डिसऑर्डर्स डिस्कस किए थे, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है। तो फॉर एग्जाम्पल जो क्रस्टेशियन डिसऑर्डर हम डिस्कस कर रहे हैं, लर्नियसिस, अगर ये लर्नियसिस फिश में है और ज्यादा टाइम तक है, अगर ज्यादा टाइम तक नहीं भी है तो जब ये फिश के अंदर डिजीज को स्प्रेड करेगा तो इसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है बॉडी में, बॉडी जहां पे ये पेनिट्रेट करेगी वहां पे इन्फ्लामेशन भी हो सकती है, मतलब स्वेलिंग भी हो सकती है, ठीक है। और जो फिश की बॉडी है वहां पर व्हाइट, ग्रीन या रेड वर्म्स जो हैं ये जख्म शो करेंगे, छोटे छोटे ये जख्म जैसे आपको नजर आ रहे हैं, इस तरीके से फिश की बॉडी के ऊपर पूरे जख्म जो हैं वो भरे होंगे और रेड कलर के ज्यादा अल्सरेशन वहां पे शो करेगा। अगर अल्टीमेटली ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं तो फिश में ब्रीदिंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये गिल्स पे भी अटैक करता है, ठीक है। तो गिल्स जो हैं उसमें कंजेशन हो जाएगी और अल्टीमेटली लैमिला जो है वो फ्यूज होंगे, तो ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर नहीं जा सकेगी। अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो ब्रीदिंग जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा फिश जो है इसमें लिथार्जी शो करती है, मतलब लैक ऑफ एनर्जी। जाहिर है ऑक्सीजन फिश को नहीं मिल रही, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसके पास एनर्जी भी नहीं आएगी। ऑक्सीजन बॉडी में जाएगी तो फिर ही उसकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो ब्रेक होगा, उसको एनर्जी मिलेगी। जब ऑक्सीजन ही बॉडी के अंदर नहीं जा रही तो इसका मतलब है ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है भी तो उसकी ब्रेकडाउन नहीं हो रही। अगर ब्रेकडाउन नहीं होती तो उसको एनर्जी भी नहीं मिलती, तो वो स्विम नहीं कर सकती एक्टिवली। तो इसका मतलब है कि अगर ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं तो फिश को लिथार्जी भी हो सकती है, ठीक है। अब कुछ ट्रीटमेंट है, किस तरीके से अगर लर्नियसिस है तो हम कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं। जो ज्यादातर केमिकल हम इस्तेमाल करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए वो है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, बेस्ट ट्रीटमेंट है। इसको हम जो है वो टैंक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं और डिप भी कर सकते हैं। मतलब आप क्या करो कि एक टैंक के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट को थोड़ी सी क्वांटिटी, ये पिंक कलर का होता है, पिंकी भी इसको बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये आप एक टैंक में डाल देते हो, ठीक है। और ऑलमोस्ट 2 ग्राम तक आप डाल सकते हो। उसके बाद अपनी फिश को उस वाटर के अंदर आपने रिलीज कर देना है, तकरीबन तकरीबन 20 से 30 मिनट तक, ठीक है। उसको रिलीज कर दिया, रिलीज करने के बाद आपने टाइम को काउंट कर लेना है। जब वो उसी वाटर के अंदर कुछ टाइम तक रहेगी तो लर्निया जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा और रिमूव भी हो सकता है। फिर आपने 30 मिनट के बाद दोबारा से उसको अपने नॉर्मल वाटर में रिलीज कर देना है फिश को।
अब उसके बाद आपने ऑब्जर्व करना है कि क्या सिम्टम्स जो हैं वो आपकी फिश ने खत्म की हैं या नहीं। अगर थोड़ी बहुत आपको चेंजेस नजर आ रही हैं कि थोड़ा सा इसने ठीक किया खुद को, तो आप अगेन उसको दोबारा से भी बात दे सकते हो, लेकिन फौरन से नहीं दोगे, 2-3 हफ्तों के बाद, 2 हफ्तों के बाद मैक्सिमम आप उसको बात दे सकते हो। और ये बेस्ट ट्रीटमेंट है, इससे जो लर्निएसिस है वो बिल्कुल खत्म हो सकती है। इवन कि जो लर्निया है ना, ये फिश की बॉडी के ऊपर एंकर होता है, मतलब विजिबल होता है इजीली, तो आप इसको वैसे भी सेपरेट आउट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा साल्ट बाथ भी आप दे सकते हो, और ये जो है ना साल्ट बाथ, इसमें आपने क्या करना है, एक दिन में, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप पोटेशियम परमैंगनेट का बाथ दे रहे हो और उसके साथ आप साल्ट बाथ भी वक्त एक ही वक्त में दे सकते हो। पहले पोटेशियम परमैंगनेट का दे दो, फिर आप उसका साल्ट बाथ भी दे सकते हो, ठीक है। तो साल्ट बाथ आपने कितना देना है कि एक टैंक में आपने पानी फिल कर लिया और उसमें 1 से 2 टेबल स्पून जो है वो आपने साल्ट ऐड कर देना, लेकिन मेक श्योर कि पानी बहुत ज्यादा ना हो और साल्ट आपने सिर्फ 2 स्पून डाले हैं, तो वो इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो इतना सा पानी डालना है कि उसमें 2 टेबल स्पून जो है वो आप साल्ट ऐड कर दो। 30 लीटर वाटर या 60 लीटर वाटर तक आप ऐड कर सकते हो और उसमें आप अपनी फिश को रिलीज कर दोगे, और इसका टाइम भी मैक्सिमम 10 या 20 मिनट तक आप रखोगे। उसके बाद अगेन उसको अपने नॉर्मल वाटर में रिलीज कर दोगे, और होपफुली कि इन दोनों मेथड के जरिए आपकी जो फिश है उसमें लर्निएसिस के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको सिम्टम्स अभी भी अपेयर हो रही हैं, तो आप उसको अगेन बाथ भी दे सकते हो आफ्टर 2 और 3 वीक्स, ठीक है। जो अगली सिम्टम है वो है आर्ग्यूलोसिस, ठीक है। अब ये जो है जो डिजीज कॉज है वो भी एक क्रस्टेशियन ही कॉज करता है, और ये जो क्रस्टेशियन है आर्ग्यूलस, ये एक्टोपैरासाइट है, और ये फ्रेश वाटर फिश, ये भी फ्रेश वाटर फिश में ही डिसऑर्डर कॉज करता है, और जो लर्निया है ये भी फ्रेश वाटर फिशेज में ही डिसऑर्डर कॉज करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम नजर आ रही है, तो ये जो आर्ग्यूलस है इसकी 2 कंपाउंड आईज होती हैं, इसके सक्शंस होते हैं, ठीक है। और ये सक्शंस को क्या करता है, यूज करता है अपनी जो होस्ट है उस पे एंकर करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा इसके पास एक कैरपस होता है, मतलब हार्ड शेल इसकी बॉडी के बाहर होता है। अब इसको हम कॉमनली फिश लाइस भी कहते हैं, फिश लाइस इसको कहेंगे, लेकिन ये दूसरी वाली जो लाइस होती है उसके साथ आप इसको मिक्स नहीं करेंगे, ये फिश लाइस है, ठीक है। अब ये ज्यादातर कॉमन है प्लियार्टिक रीजन में। डियर स्टूडेंट, जो प्लियार्टिक रीजन है ना, ये लार्जेस्ट रीजन है, और इस रीजन में जो कंट्रीज आते हैं वो हैं यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और एशिया। ये कुछ कंट्रीज हैं जो कि प्लियार्टिक रीजन में आते हैं, और प्लियार्टिक रीजन में जो फिशेज हैं उनमें आर्ग्यूलोसिस होने के चांसेस होते हैं। अगर आर्ग्यूलस जो क्रस्टेशियन है ये एक्टोपैरासाइट होता है, ये बॉडी के बाहर है, ठीक है। तो ये फ्रेश वाटर फिशेज प्लियार्टिक रीजन में डिजीज कॉज करना इसके लिए बहुत ज्यादा इजी होता है। डियर स्टूडेंट, ये एक एपिजूटिक आउटब्रेक है। एपिजूटिक आउटब्रेक का मतलब होता है कि ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिजीज को स्प्रेड करेगा, और एक एनिमल से दूसरे एनिमल में डिजीज स्प्रेड करता है, इसको हम एपिजूटिक कहते हैं, ठीक है। जूनोटिक क्या होता है, एनिमल से ह्यूमंस में अगर कोई डिजीज स्प्रेड हो रही है तो वो जूनोटिक होगी, लेकिन एपिजूटिक डिजीज एनिमल टू एनिमल ही होगी। और ये एक फिश से दूसरी फिश में जो सेम टैंक है उसमें ये स्प्रेड होगी, और हो सकता है कि अगर आप एक नेट इस्तेमाल कर रहे हो और वही नेट आप दूसरे टैंक में इस्तेमाल करते हो, तो ये जो क्रस्टेशियन है वो इस नेट के जरिए दूसरे में भी जा सकता है और दूसरी फिशेस को भी अफेक्ट कर सकता है, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्वाकल्चर लॉस हो सकता है। अब जो इसका लाइफ साइकिल है वो किस तरीके से होता है कि जो क्रस्टेशियन है ये फिश की बॉडी पे अटैक करता है, ठीक है। जो दोनों सेक्सेस हैं, मेल और फीमेल, ये दोनों ही पैरासिटिक होती हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव स्टेज में क्या होता है कि मेल और फीमेल होस्ट बॉडी पे ही कोपुलेट करते हैं, ठीक है। और फीमेल क्या करती है कि कुछ दिनों के बाद ये होस्ट की बॉडी से डिटैच हो जाती है और वहां पे एग ले करना शुरू कर देती है वाटर में, ठीक है। जब ये एग ले करेगी तो एग ले करने के लिए इसको हार्ड स्ट्रेटा चाहिए, मतलब हार्ड जगह चाहिए जहां पे वो अटैच होगी और एग को ले करेगी।
एग जो ले करती है, ये ज्यादातर जो एग है वो डे लाइट में एग ले करती है, बजाय इसके कि जब नाइट का टाइम होता है तब ये मिनिमम एग ले करती है या करती ही नहीं है, लेकिन जब दिन का वक्त होता है, लाइट होती है, तो इसका एग ले का प्रोसेस जो है वो ज्यादा स्पीडली होता है। अब जो एग हैच हो गए हैं, अब जो एग की हैचिंग है, हैचिंग के बाद उसमें एक डाइसिस होती है या मोल्टिंग होती है, मतलब डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जिसमें वो लार्वा में डिवेल्प होता है, और जो लार्वा है वो दोबारा से अडल्ट में डिवेल्प होता है, और अडल्ट जो है वो दोबारा से फिश में, फाइनल होस्ट जो है वो उसका दोबारा से फिश ही होता है। तो इसमें जो लार्वा की स्टेज है वो नेपोलाई है, और उसके बाद वो मेटानेपोलस में डिवेल्प हो जाता है, और मेटानेपोलस जो है वो फिश की बॉडी में जाता है, और अगेन जो है वो अडल्ट बॉडी में, अडल्ट ऑर्गेनिज्म यहाँ से डिवेल्प हो जाता है। डियर स्टूडेंट, इसके जो क्लिनिकल साइन है, एक तो ये है कि स्किन के ऊपर इंफ्लामेशन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है फिड लॉस, ये जो है ना फिश लॉस, मतलब ये फिश लाइस इसको आप कह सकते हो, ये जो एरेग्यूलस है ये फिश की बॉडी के ऊपर पेनिट्रेट किया हुआ है, और ये विजिबल भी है, आप इस देख के भी अपनी फिश को पहचान सकते हो कि इसके ऊपर किसी क्रस्टेशियन ने अटैक किया हुआ है, और आप इसकी ट्रीटमेंट भी इजिली कर सकते हो, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे ये जो गिल के अंदर जो है ये घुसा हुआ है, और फिश जाके उसके गिल्स को डैमेज कर रहा है, तो ये स्किन के ऊपर और गिल्स के ऊपर, ठीक है। और ये एक एक्टोपैरासाइट है, हेमरेज कॉज करता है, ठीक है, म्यूकस की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है, क्योंकि फिश स्ट्रेस की कंडीशन में आएगी, जब कोई भी पैरासाइट फिश की बॉडी में है या किसी भी ऑर्गेनिज्म में है तो अल्टीमेटली वो ऑर्गेनिज्म स्ट्रेस की कंडीशन में आएगा, तो म्यूकस की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, म्यूकस की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, और अगर ये फिश की बॉडी के ऊपर है तो वहां पे स्केल लॉस होने का प्रॉब्लम जो है वो भी हो सकता है, ठीक है। फिन जो है वो इरोडेड होना शुरू हो जाएंगे, मतलब फिन्स जो है वो झड़ना शुरू हो जाएंगे, अगर फिन्स जो है वो झड़ना शुरू हो गए हैं तो इसका मतलब है कि फिन्स ने काम क्या करना होता है, फिन्स ने डिफरेंट काम करने हैं, एक तो फिश की बॉडी को इसने आगे की तरफ पुल करना होता है, दूसरा ये स्टेयरिंग का काम करते हैं, बैलेंसिंग का काम करते हैं, फिल को जो फिश है उसकी बॉडी को इरेक्ट होने में हेल्प करते हैं, तो अगर फिन्स की ओरोयन हो जाएगी तो इसका मतलब है कि इनमें से कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकती, ठीक है। फिश जो है वो अनीमिक हो जाएगी, फिश जो है वो फीड करना छोड़ देगी, और जब फीड करना ही छोड़ दिया, फीड को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही, तो उसकी ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, स्लो, ठीक है। और इसकी वजह से जो फिश है वो बहुत ज्यादा स्लो मूविंग मूवमेंट शो करती है, स्विमिंग इसमें बहुत ज्यादा स्लो होती है। अब जो स्लो मूविंग है, और इसके साथ साथ जो फिश है वो अपने हार्ड सबस्ट्रेट, मतलब जो आपने एक्वेरियम में रखा है, टैंक में रखा है, तो वो फिश जो है वो उस जगह पे अपनी बॉडी को रब करती है, और बहुत इरिटेशन शो करती है, ठीक है। इसकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, फिश जो है वो स्ट्रेस में आएगी, और अल्टीमेटली फिश जो है वो ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकती, उसकी मोर्टेलिटी हो सकती है, वो एक फिश से दूसरी फिश में इस डिजीज को स्प्रेड कर सकते हैं। ससेप्टिबिलिटी जो ज्यादा फिशेस में एरेग्यूलोसिस की है वो है तेलापिया, रेनबो ट्राउट, गोल्ड फिश और साइनस स्कॉर्पियो, ठीक है। ये ज्यादा ससेप्टिबल फिशेस हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये जो इन्फेक्शन है वो सिर्फ इन्हीं फिशेस में हो, डिफरेंट फिशेस में ये डिसऑर्डर हो सकता है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि इफेक्टिव जो ट्रीटमेंट है वो ऑर्गेनोफॉस्फेटेस है, और ये ऑर्गेनोफॉस्फेटेस 2 या 3 डोजेस 1 वीक में, आफ्टर 1 वीक के इंटरवल के हिसाब से हम इसको दे सकते हैं, ठीक है, इसके लार्वा और जुवेनाइल को किल करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर अडल्ट फिश में ये जो लाइस है वो कंटिन्यू रहे, उसकी मोल्टिंग कंटिन्यू रहे, तो फिर हम इसको एक और ट्रीटमेंट देते हैं पेस्टिसाइड की, और उसकी वजह से ये जो डिसऑर्डर है वो खत्म हो सकता है, ठीक है। अब जो लास्ट क्रस्टेशियन डिजीज है वो है ये जो लास्ट वाली क्रस्टेशियन डिजीज है एरेगिसाइलेसिस। एरेगिसाइलेसिस जो है ये डिजीज एरेगिसाइलस जो है ये भी कॉपीपॉड क्रस्टेशियन है, वो डिजीज कॉज कर सकता है, ठीक है। इसको भी गिल लाइस कहते हैं,
देखिए यहाँ पे ये फिश के गिल्स नजर आ रहे हैं, तो गिल्स के ऊपर ये जो सारी की सारी क्रिएचर है, इन्होंने फिश पे ये ज्यादा इसको डिजीज कॉज किया हुआ है, उसके सारे जो गिल्स हैं उसको डैमेज किया हुआ है, और यहाँ पे ब्लड क्लॉट किया हुआ है, कोई इसकी लैमिला जो है वो डैमेज है, ठीक है। तो इसको हम गिल लाइस भी कहते हैं, क्योंकि ये पैरासिटिक है फिश के गिल्स के ऊपर, ठीक है। अब जो है इसके पास एंटीना प्रेजेंट होते हैं और प्रीहेंसाइल पिंसर होता है, जिसकी हेल्प से ये जो होस्ट है उसकी बॉडी में पेनिट्रेट करता है, ठीक है। अब जो मेल है वो फ्री लिविंग होता है। इसमें होता क्या है कि एक फिश के अंदर तकरीबन 500 से 1000 पैरासाइट जो है वो इन्फेक्ट कर सकते हैं, और ये गिल्स पे भी अटैक कर सकते हैं और ब्लड पे भी अटैक कर सकते हैं। इनका जो इन्फेक्शन का स्वेरिटी है वो जुलाई से अगस्त, ये जो मंथ है, इनमें ज्यादातर चांसेस होते हैं इस डिसऑर्डर के होने के, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होगा, गिल फिलामेंट डैमेज हो जाएगा, ब्लड वेसल्स जो है वो कंजेशन हो जाएगी उसकी, और गिल टिश्यू की नेक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है। इसमें ऑस्मोरेगुलेटरी प्रॉब्लम भी हो सकता है। ऑस्मोरेगुलेटरी का मतलब क्या होता है, ऑस्मोरेगुलेशन का वैसे मतलब होता है साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, ठीक है। तो जब ये पैरासाइट, जब ये क्रस्टेशियन फिश की बॉडी में होगा, तो उसमें हो सकता है कि फिश की बॉडी के अंदर साल्ट एक्सेस में आ गया, या फिर वाटर एक्सेस में आ गया, मतलब हाइपरटॉनिक और हाइपोटॉनिक कंडीशन को वो मेंटेन नहीं कर सकेगी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, मोर्टेलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होंगे। ज्यादातर जो फिशेज में ये कॉमन है वो है कैटला, लेब्यू, साइनस मैरिघेला, ठीक है। इन फिशेज में ये डिजीजेस ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। अब जो इसकी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वो ये है कि आपने जिस पाउंड के अंदर अपनी फिश को स्टॉक किया है, एक तो पहले आप पूरे के पूरे स्टॉक को हार्वेस्ट कर लें, और जो पाउंड है उसको कंप्लीटली ड्रेन करें लाइम के साथ, और उसको तकरीबन 6 माह तक ऐसे ही छोड़ दें ड्राई होने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब अगली दफा आप स्टॉक करें, मेक श्योर कि वो जो पाउंड है वो बिल्कुल क्लीन है और ड्राई है। उसके बाद जो है वो अपना स्टॉक दोबारा से आप वहां पे रख सकते हो, अदरवाइज अगर कोई भी पैरासाइट वहां पर हुआ तो उसकी वजह से दोबारा से अगले स्टॉक में भी ये डिजीजेस अपेयर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।